नमस्कार साथियों साथियों, जैसे कि हमारे ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स अदर एग्जाम्स के हो, चाहे पीएससी के हो, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि हमें कहीं 2-4-8-10 दिन में कहीं आउट ऑफ एमपी या फिर आउट ऑफ उज्जैन जाना पड़ता है सेमिनार्स के लिए, बच्चों से मिलने के लिए, हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, है ना। तो काफी हम 2-4 बच्चों से मिलके आए हैं, अभी ग्वालियर गए थे, अभी हमारी मुलाकात हुई थी, संदीप जी से मुलाकात हुई थी, उनके घर पर रुके भी थे हम वहां पर ही, है ना। तो है कि इन परिस्थितियों को देखा जाए कि इन परिस्थितियों से फायदा होता है कि उनको उनका मोटिवेट उनके लाइफ के लिए, और हमें भी फायदा होता है ना, दोनों को फायदा मिलता है, दोनों को प्रॉफिट होता है। नहीं तो आपको पता है शेड्यूल कितना बिजी होता है कि 2 घंटे का टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि ट्रेन में भी अगर मैं किया गया हूं तो भी वर्क किया ट्रेन में भी मैंने, और साथ ही बुक्स ले गया था, और तबीयत इतनी स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था, कल बहुत बेकार कंडीशन थी मेरी, उसके बावजूद भी मैंने जो मुझे लगा संहिता शिक्षक वर्ग 2 में मैंने ग्रुप में 20 क्वेश्चन सेंड किए। अब हम बात करते हैं एनटीपीसी मेंस की रणनीति के लिए क्या किया जाए, तो उसके रणनीति के लिए आपको टिप्स बता देता हूं, उसके बाद में मैं आज शाम को या फिर कल आज ही शाम को मैं बोर्ड पर टॉपिक वगैरह और एनालिसिस करके पूरा किसी क्या करना है वो बता देता हूं, बता दिया जाएगा आपको बोर्ड पर। तो देखो एमपीपीएससी मेंस लिखने के लिए जो एमपीपीएससी प्री का कट ऑफ होगा वो अगले 1 महीने में आ जाएगा, कितना कट ऑफ गया है हम उसका वेट करते हैं, जो कि गद्दारी बेईमानी चल रही है पीएससी के लिए, फ्रॉड चल रहा है बहुत बड़ा, बच्चों की लाइफ से खेल रही है, ये गलत है। मैंने काफी कमेंट भी की है, काफी जितना मुझ में पावर था मुझे मुंह में लगा दिया, भोपाल तक लगा दिया, फिर भी देखते हैं क्या होता है आगे की, देखते हैं किस कंडीशन में हमें लड़ाई करना पड़ती है पीएससी से, वो देखते हैं हम। कटाप को लेके हम अगर हो सकेगा तो हो सकेगा कि 10 दिन 10-10 नंबर सभी को पढ़ा दिए जाए, बोनस मिल जाए 10 नंबर का, जैसे कि 2004 में मिला था, 4 या 2 में मेरे पेपर में न्यूज पेपर में पढ़ा था। आपको वीडियो सेंड की थी मैंने, एक वीडियो देखी आप, बहुत सुपर वीडियो है वो। तो इस कंडीशन में फिर आगे की देखिए, अब जो मेंस की प्री की तैयारी कर रहे हैं वापस से, जो वापस से मेंस की तैयारी करना चाहते हैं कि वापस पहले से कर लूं मैं, तो वो बिल्कुल करिए, क्योंकि साथियों 1 साल सफिशिएंट होता है मेंस और प्री को लेके, और मैं अगर 3 महीने अगर देखा जाए मेंस को लेके वो भी सफिशिएंट होता है, पर पूरा फोकस पीएससी मेंस पर होना चाहिए, तो ही आप फोकस कर पाओगे, मेंस को लिख पाओगे, आपकी हेड राइटिंग भी सही होना चाहिए, राइटिंग वर्क होना चाहिए, लिमिट होनी चाहिए कितना मैं लिख रहा हूं, कितना बट कितने मिनट में लिखने हैं, क्या क्या लिखना है, ये थोड़ी पूरा हमने जो नोट्स आपको दिए वो छाप दिए, हमने जो नोट्स दिए वो छाप दोगे आप तो थोड़ी नंबर मिलेंगे, पर कम मिलेंगे, आपको खुद से माइंड से टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे, वहां से टॉपिक को पढ़ पढ़ के इनसे अध्ययन करना पड़ेगा, और फिर आपको मन से खुद को लिखना पड़ेगा कि अब क्या लिख क्या है, और उस लिखित में जो आपका लेख रहेगा उसको देख के वो ऑफिसर आपका नंबर देगा, और फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए लेटर आएगा। इसलिए बाकी पीएससी मेंस के जो नोट्स हमने 20-22 स्टूडेंट को सेंड किए हैं वो भी आप भी कर चुका हूं मैं, तो वो भी आप तक पहुंच गए होंगे, और जिनको नहीं पहुंचा मैं बता दें, हम बिल्कुल कंफर्म करके बता देंगे, आज भी 2-3 पोस्ट करनी है मुझे, शाम को करूंगा, 1 पोस्ट ऑफिस से करनी है, 2 कोयर से करनी है, और हम क्या करेंगे पीएससी मेंस के लिए जो ग्रुप बनाया अलग से, उसमें होली के बाद, रंग पंचमी के बाद, 4 तारीख बाद या 5 तारीख बाद, जैसे ही 6-7 मार्च होगा, 7 मार्च से मैं चिट्ठी बनाऊंगा पूरी, किस तरह से हमें एनालिसिस करना है, किस तरह टॉपिक को लिखना है, कितना डेली पढ़ना है, कितना शब्द में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कितने वर्ड में आ सकता है, कितने नंबर में आ सकता है, तो वो सारी चीजें आपको डेली टू डेली 5-5-10 मिनट की वीडियो डेली अपलोड करूंगा, क्लास वीडियो, ऑफिस वीडियो, या ऑफिस वीडियो बनता क्लास वीडियो करूंगा, अभी ऑफिस में ही हूं मैं, है ना। तो बाकी तो सब ठीक है, अब और हमें बहुत से विचार आ रहे हैं दिमाग में, माइंड में क्या करना है, जैसे विचार आते जाते हैं वैसे आपको बता देता हूं, मैं रखता नहीं हूं, ये बात जो मैंने सोच रखी थी, जो बात वीडियो बना रहा हूं कल देने का मन था, बट कल फ्री नहीं था, स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अब ठीक हूं, प्रॉपर भी ठीक नहीं हूं एकदम की बिल्कुल ठीक है, जैसा है इस कंडीशन में आना पड़ता है, और जो मैं आपको डेली पीडीएफ दूंगा आप नोट करते जाएं, पीएससी मेंस वाले
बाकी महीने भर बाद जैसे ही हमारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा कि हाँ इतना डेटा हो चुका है, तो उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट निकाल के सेंड कर दी जाएगी पोस्ट ऑफिस से, कोरियर के माध्यम से, जो भी होता है। बस एक ही बात है यार कि कदम पीछे मत रखो, आगे की ओर बढ़ो। हम आप सपोर्ट करेंगे फुल, जितना हो सके उतना सपोर्ट करेंगे, आगे की ओर बढ़ते जाओ, एक ही बात है बस। फुल सपोर्ट करेंगे जितना हो सके उतना करेंगे, और कर भी रहे हैं, अगर नहीं कर रहे तो बताओ। दो चार पांच दिनों से पढ़ाई नहीं हो रही, मान रहा हूं कंडीशन नहीं थी पढ़ाई करवाने की, अब फ्री हूं आज। देखो मैं इतना बिजी नहीं होता कि आप जो सोचते हो कि बिजी, आप कॉल करो फ्री हूं, पर जब एग्जाम पे आता हूं उस टाइम पे बिजी हो जाता हूं, चार से छह क्लास में बिजी रहता हूं, सुबह मॉर्निंग 10 बजे तक होती है, नाइट होती है 2-3 बजे तक, तो उस तरह से उस कंडीशन में आप कॉल नहीं कर सकते उस टाइम में। बट इसे दिन भर फ्री हो, अभी भी फ्री हो, कॉल करिए, बिल्कुल आपसे बताऊंगा मैं। ठीक साथियों, इतना ही कहना चाह रहा था, बाकी तो सब ठीक है। एमपीपीएससी मेंस के बारे में बता दिया आपको मैंने, किस तरह से हम पेपर करेंगे, आपको टॉपिक टू टॉपिक लिखना सिखाएंगे, सब कुछ ग्रुप में सिखाएंगे, और जो मैंने फीस बताई थी आपको, आप लोगों को पता होगी, उसी बीच में आपको हार्ड कॉपी भी दी जा रही है, प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है, दोनों इंक्लूड है, अलग से कोई फीस नहीं है कि अलग से पीएससी मेंस की फीस मांग रहा हूं। जो हमने हार्ड कॉपी की फीस बताई है आप लोगों को, उसी फीस में जो है आपको हम पढ़ाई भी करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, हैंड राइटिंग करना सिखाएंगे, जो हैंड राइटिंग में किसे शब्द में कितना क्या लिखना, सब कुछ बताया जाएगा आपको। ठीक साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।